हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम कोल इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सीरीज ऑफ वेल्स वर डग इन अ कन्फाइंड एक्वाफर, द सर्फेस ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द स्टेटिक वाटर लेवल्स वुड बी कॉल्ड एज। तो कन्फाइंड एक्वाफर में जो है वेल डग किया गया है और जो ऑब्टेन्ड वाटर लेवल होता है डक करने के बाद उसे पिजोमेट्रिक सरफेस कहते हैं। पिजोमेट्रिक सरफेस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, पिजोमेट्रिक सरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेजर पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज फाउंड फोटोकेमिकली व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड NOx एंड हाइड्रोकार्बन टू ग्रुप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो HC+NOx जो है सनलाइट में रिएक्शन करके स्मॉग बनता है। फोटोकेमिकली स्मॉग जो है कंसिस्ट होता है ओजोन होता है, पैन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये जो है मेजर होता है इंग्रेडिएंट कंपाउंड। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये माइनर में होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेजर पोल्यूटेंट जो है अब फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या है। ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फुल्ली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन 2 जो है रीबाउंड हैमर, 3rd है प्रोफोमीटर फॉर रिवर और 4th ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। ये तीनों जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है कंक्रीट के लिए। कोर जो है डिस्ट्रक्टिव है तो नोट पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोर। नेक्स्ट है, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल स्टार्ट्स गेटिंग बैडली इम्पैक्टेड व्हेन पीएच ऑफ सॉइल एक्सीड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पीएच जब 11 से एक्सीड करता है तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है इसका बैडली इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू IS 800, इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन द स्पैन लेंथ ऑफ फ्लेक्सरल मेंबर इन अ कंटिन्यूस फ्रेम सिस्टम सेल बी टेकन एज द डिस्टेंस बिटवीन। तो मेंबर का ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंटिन्यूस फ्रेम है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स द नंबर ऑफ अननोन टू बी डिटरमाइंड इन स्टिफनेस मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्टिफनेस मेथड है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में जो है स्टेटिक इनडिटर्मिनेंसी और स्टिफनेस मेथड का जो है में होगा काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फेल्योर टाइप ऑफ सॉइल एज सपोर्ट बीनेथ द फाउंडेशन। डिपेंडिंग अपॉन द डिफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द लोड एंड द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फेल्योर सरफेस। तो सॉइल में जो है जनरल सीयर फेल्योर, पंचिंग सीयर फेल्योर और लोकल सीयर फेल्योर होता है, बेंडिंग जो है फेल्योर नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा फेल्योर नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड कांग्रेस IRC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर हाईवे। हाईवे के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M40 होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर द स्लो सैंड फिल्टर्स बेटर देन रैपिड सैंड फिल्टर। तो पूछ रहा है स्लो सैंड फिल्टर बेटर देन रैपिड सैंड फिल्टर जो है कौन से पैरामीटर में है। ऑप्शन 1 है ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्लो सैंड फिल्टर का जो है डिजाइन जो है ईजी होता है, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2nd है लैंड रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन अ यूनिट।
लैंड रिक्वायरमेंट जो है स्लो सैंड फिल्टर में ज़्यादा होता है, तो सेकंड इनकरेक्ट है। फ्लैक्स थर्ड ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग विथ मीटिंग द डिमांड। जब डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो रैपिड सैंड फिल्टर जो है ज़्यादा सूटेबल होता है। फोर्थ ऑप्शन है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है स्लो सैंड फिल्टर का कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में कंपेयर करें तो प्लेन एरिया जो है रिक्वायर्ड होता है स्लो सैंड फिल्टर में 100 to 2000 square meter, रैपिड सैंड फिल्टर में जो है 10 to 100 meter square पर यूनिट रिक्वायर होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है स्लो सैंड फिल्टर का होता है 100 to 200 liter per hour per meter square, रैपिड सैंड फिल्टर का रेट होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 3000 to 6000 liter per square meter per hour। यूनिफॉर्मिटी कॉफिशियंट जो है D60/D10 का वैल्यू जो है स्लो सैंड फिल्टर का फाइव होता है और रैपिड सैंड फिल्टर का यूनिफॉर्मिटी कॉफिशियंट 1.3 से 1.7 के बीच होता है। क्लीनिंग पीरियड जो है स्लो सैंड फिल्टर का 1 to 3 month होता है और रैपिड सैंड फिल्टर का 24 to 48 hours। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे गेट्स कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस व्हेन लोअर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है होगा USBR ड्रम गेट, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट फॉर ऑल व्हीकल्स लिमिटेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस, तो मैक्सिमम वेट जो है लिमिट किया गया है IRC के द्वारा 2.44 meter, तो इसका नियरेस्ट ऑप्शन जो है 2.5 meter है, ऑप्शन सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सैंपल इज 50 यूनिट्स व्हाइल द रिमोल्डेड स्ट्रेंथ इज 20 यूनिट्स, देन व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल, तो सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल जो है इक्वल टू होता है अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल और रिमोल्डेड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, तो 50/20 जो है 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल, ऑप्शन है ड्यून सैंड होता है विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल को कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होता है फाइन टू मीडियम सैंड, ऑप्शन सेकेंड है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो एक्सपेंसिव सॉइल होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल इट इज रेसिडुअल सॉइल कंटेनिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल माउंट मोरिलोनाइट, इसमें जो है मिनरल जो है हाई परसेंट में होता है माउंट मोरिलोनाइट, इसके कारण जो है इट हैज वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी होता है एंड हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी जो है ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है। उसके बाद थर्ड है लोइस जो है इट इज विंड ब्लोन डिपोजिट ऑफ सिल्ट, सिल्ट का जो है विंड ब्लोन डिपोजिट होता है। उसके बाद ऑप्शन फोर है लैटेरिटिक सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, क्रॉप जो है का सीजन जो है दो टाइप के जनरली होता है, रबी क्रॉप जो है सोन टाइम होता है अक्टूबर टू मार्च हार्वेस्टिंग टाइम, खरीफ का होता है अप्रैल टू सितंबर। खरीफ क्रॉप जो है होता है ग्राउंड नट, मेज, राइस, सोयाबीन, बाजरा, तोबैको, ये सब जो है खरीफ क्रॉप में आता है। रबी क्रॉप जो है ये हो गया ग्राम, पल्स, मस्टर्ड, बार्ले, वीट, गेहूं, पोटैटो, तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन वन है सीसेम, ये जो है रबी क्रॉप है, ऑनियन रबी क्रॉप, बार्ले रबी क्रॉप, तो ऑप्शन फोर है ग्राउंड नट जो है खरीफ क्रॉप में आता है, ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पॉइजन रेशियो फॉर स्ट्रक्चरल स्टील एज रिकमेंडेड इन IS 800? स्टील का जो है पॉइजन रेशियो होता है 0.27 to 0.3। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3। कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है 0.1 to 0.2 के रेंज में। ग्लास का होता है 0.18 to 0.3। रबर का 0.5। कॉर्क का 0 होता है पॉइजन रेशियो।